अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो को बनाते हुए मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका और माजरत उसके लिए। लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर है हमारे सामने जो कि हमारे आप कह लीजिए कि जितने सियासतदान हैं, जितने हमारे हुक्मरान रह चुके हैं हमारे ऊपर, जितने डिक्टेटर्स हमारे ऊपर हुकूमत कर चुके हैं, जिन्होंने इस मुल्क का इक्तदार संभाला और फिर हमें जवाब में ये चीज़ दे के गए हैं, ये उनके लिए एक सवालिया निशान है। स्पेशली जो हुक्मरान जिनके हाथ में दौरे इक्तदार था, जो पूरी तरह से हम पे हुक्मरानी करते रहे, तो क्या आप ये मुस्तकबिल हमें दे के गए हो हमारे बच्चों के लिए? वो बच्चा जो 8 से 10 साल 12 साल का बच्चा है और वो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए मजदूरी करता हुआ बाहर सड़कों पर जलील हो रहा है, इसकी मासूमियत, इसकी मुस्कुराहट, इसकी शक्ल देखिए, ये मजदूरी करने वाले हाथ हैं क्या? इसके हाथ आपको मजदूरी करने वाले हाथ लगते हैं? बेगैरतों, बेशर्मों, आपके बच्चे क्लबों में, नाइट क्लबों में घूमें, आपके बच्चे 1-1 करोड़ की गाड़ियों में घूमें, आपके बच्चों के साथ 4-4 3-3 पुलिस की गाड़ियाँ हों, आपके बच्चों के साथ एहलकार हों, और हमारे बच्चे रोड पर चने चाट बेचें, रोड पर ये मजदूरी करें और घर में 150 लेके अपने बहन भाइयों, छोटे बहन भाइयों को वो कमा के खिलाएं? ये आपने किया है हमारे साथ, ये आपने 70 साल की जो तारीख थी हमारी। फिर कहते हैं कि अवाम क्यों बोलती है, अवाम हमारा एहतसाब क्यों मांगती है? बगैर तो इसलिए एहतसाब मांगते हैं। ये जो आपने किया है हमारे साथ, ये इस बच्चे की मुस्कुराहट देखो, ये बेचारा, इसके जूते, इसकी पढ़ने की उम्र है? आपने किसी मुहज़ब माशरे में, किसी पढ़े लिखे माशरे में, किसी तलीम याफ्ता माशरे के अंदर इस तरह का बच्चा देखा है कि 10-12 साल का बच्चा और वो मजदूरी कर रहा है? किस लिए? कि वो अपने बहन भाइयों को, बच्चों, अपने छोटे बहन भाइयों को जो है वो कुछ ला के खिला सके? बहनें इसकी मर गई हैं, 5 भाई हैं इसके, बाप के पास काम नहीं है, और ये चीज़ आप हमें दे रहे हो कि हमारे जो आने वाली नस्ल है, हमारे आने वाले बच्चे हैं, वो बड़े होकर ये काम करें? लानत है आप पर कि आपने हमारे मुस्तकबिल के साथ खेला है, आपने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला है, आपने उनको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अपने अपने अपना मुस्तकबिल संवार सकें, अपनी तालीम हासिल कर सकें, अपने आपको स्कूल में एडमिशन दिलवा के अपनी तालीम हासिल कर सकें? लानत है आप सब पे, जो लोग इसमें शामिल हैं उन सब पे लानत है। ये इस बच्चे के ज़रा आप अल्फाज सुनिए, तब आपके दिल को ये इसके अल्फाज छुएंगे कि यार, आई एम सॉरी फॉर दैट। खुद ही खा जा रहे हो? भूख लगी है। अच्छा, भूख लगी है? आज कितने की सेल हो गई है? हाँ जी, 300 की। अरे वाह, जबरदस्त। कहाँ से आते हो? हाँ, करना बस्ती से। तो हर रोज़ कितने की सेल हो जाती है? सिर्फ आज आए हो? आज पहले दिन आए हो? आज ने साहब का फोन है। अच्छा, एतवार एतवार को आते हो? ओ, बाकी दिनों में क्या करते हो? कुरान पाक पढ़ते हो? वाह माशाल्लाह, कौन सा सिपारा पढ़ते हो? अच्छा, नूरानी पढ़ रहे हो। स्कूल नहीं जाते? अच्छा, आपके अब्बू क्या करते हैं? रंग का काम करते हैं। हाँ जी, दूसरी शादी कर ली है? तो आप कितने बहन भाई हो? 5 भाई हो? बहनें फोत हो गई हैं। बाकी भाई आपसे बड़े हैं छोटे हैं? 2 बड़े हैं, 2 छोटे हैं। अच्छा, आप तीसरे नंबर पे हो। अच्छा, और मामा क्या करती हैं? हाँ जी, एपरिंग, एपलिंग, वो क्या होता है? मतलब ये जो से बहुत सारे होते हैं, इन लोगों ये फूल लगाते हैं। किनको? ये जो ये बट्टे होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, एपलिंग, ठीक है ठीक। चलो, शाबाश बेटा।